किसी क्लास के अंदर कोई लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है, तो लोकल वेरिएबल का जो शैडो है वो इंस्टेंस के ऊपर पड़ जाता है और प्रेफरेंस किसे मिल जाता है, लोकल वेरिएबल को, और इसी कंसेप्ट को बोला गया डेटा शैडोइंग। डेटा शैडोइंग, तो डेटा शैडोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ हैविंग द सेम नेम ऑफ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम ऑफ लोकल वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब इंस्टेंस वेरिएबल का नाम और लोकल वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है तो उसे डेटा शैडोइंग बोलते हैं, और डेटा शैडोइंग के केस में हमेशा प्रेफरेंस किसे मिलता है, लोकल वेरिएबल को प्रेफरेंस मिलता है। तो इसका मैंने प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्लास बनाया था जिसका नाम था डेमो, डेमो नाम की क्लास थी। पीछे दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, डेमो नाम की एक क्लास बनाया था और डेमो क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया था इंट एक्स इज इक्वल्स टू 10। ये कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। किसी क्लास में अगर कोई वेरिएबल ऐसे आप बनाते हो तो इसे इंस्टेंस वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर बोला जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैंने इसके अंदर कोई एक मेथड बना दिया वाइड शो नाम से, और यहां पे इसके पैरामीटर में भी इसी नाम से वेरिएबल बना देते हैं इंट एक्स, तो देखिए ये है लोकल वेरिएबल, यहां पे भी हो सकता है, और या अगर इस मेथड के अंदर अगर यहां पे बना हो और यहां पे लिख दिया x इक्वल्स टू 20 तब भी ये लोकल वेरिएबल है। तो लोकल पैरामीटर में भी होता है, लोकल मेथड के अंदर भी होता है। और आप देखिए यहां पे लोकल वेरिएबल का नाम जो है x यहां पे और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है, सेम। अब उस केस में होगा क्या, अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में x को प्रिंट करोगे, यहां पे देखिए यहां पे x को आपने प्रिंट किया और दो बार x को प्रिंट किया तो यहां पे आउटपुट आएगा आपका 20 और 20, क्योंकि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम नेम से हो चुके हैं। अगर ये लोकल वेरिएबल नहीं हो तो आउटपुट किसका आएगा, 10 का, लेकिन लोकल और इंस्टेंस सेम हो चुका है इसलिए यहां पे लोकल को प्रेफरेंस मिलेगा, और इस कंसेप्ट को क्या नाम दिया गया, डेटा शैडोइंग। और यहां पे हम बना लेते हैं मेन मेथड PSVM ओपनिंग क्लोजिंग, और फिर हमने बना दिया डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट, डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, और फिर डी डॉट शो मेथड यहां से हमने कॉल कर दिया। डी डॉट शो मेथड के कॉल होते ही यहां पे जैसे ये शो मेथड चला, इसमें जो डेटा है यानी कि 20 वो यहां पे प्रिंट हो गया जाएगा, और आउटपुट कितने बार आएगा 20 दो बार यहां पे 20 और 20 आ जाएगा, मतलब मैं चाहता हूं कि यहां पे 10 आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन था कल का कि यहां पे हमें आउटपुट चाहिए था 10 और 20 दोनों, मतलब डेटा शैडोइंग जब होती है तो प्रेफरेंस किसे मिलता है, लोकल वेरिएबल को, और हम चाहते थे कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल भी प्रिंट होके आ जाए, ऊपर वाला वेरिएबल भी प्रिंट होके आ जाए। तो ऐसा कैसे हो पाएगा, ऐसा करने के लिए आपको यहां पे लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो बस हमने एक कीवर्ड यहां लगा दिया था जिसका नाम था दिस, और दिस डॉट एक्स लिखने से हमारा कौन सा डेटा रेफर हो गया था, इंस्टेंस वाला डेटा रेफर हो गया था, इंस्टेंस वाला डेटा प्रिंट होके आ गया था। बट आज हमें ये नहीं ये यूज करना है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि आपको ये एक्स ही लिखना है और यहां पे दिस यूज नहीं करना है, आपको यहां पे कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना है जिससे आपका इंस्टेंस वेरिएबल का डेटा यहां पे प्रिंट होके आ जाए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं जी, रेफरेंस आईडी को पास करके, कैसे रेफरेंस आईडी पास करें बताइए, क्योंकि क्योंकि कल यहां बात आ रही थी कि सर एक नया ऑब्जेक्ट बना लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अगर स्टैटिक ब्लॉक बना ले, स्टैटिक ब्लॉक बना दे कहां पे, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इंडेक्स, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इंडेक्स रख दे तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर अगर इंडेक्स लिख देंगे तो लोकल वेरिएबल बन गया ना, वो तो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दो अलग अलग हैं। इस वेरिएबल को क्या बोलेंगे यहाँ पे, और ये क्या है, या नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर बोल दीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं, जब किसी प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल का नाम और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम हो जाता है तो लोकल का शैडो इंस्टेंस ही पड़ जाता है, जिसे प्रेफरेंस मिलता है इंस्टेंस लोकल वाले को, इंस्टेंस अपनी वैल्यू भूल जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप चाहते हो कि 10 प्रिंट हो जाए
यानी कि इंस्टेंस वाला प्रिंट हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहां पे लगाया दिस और दिस के थ्रू काम हो गया, लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है कि दिस के थ्रू ये काम हुआ कैसे और दिस होता क्या है और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए और सोचिए, थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जाइए, पुराने टाइम में जाइए, जहां पे हमने आपको ये बताया था कि किसी भी क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कहां मिलती है, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में नहीं, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट में। तो कहीं ना कहीं हीप एरिया के अंदर जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, हीप एरिया के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हुई होगी और उस मेमोरी में ये एक्स जाके स्टोर हो गया होगा। ये लोकल वाला एक्स या इंस्टेंस वाला एक्स? लोकल वाला एक्स तो स्टैक में जाएगा, लोकल वेरिएबल है, वो स्टैक के अंदर जाएगा, अभी तो यहाँ हीप के अंदर जाके स्टोर्ड है। और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मेमोरी जो एलोकेट हुई है, उस मेमोरी का जो रेफरेंस है, उसका जो पॉइंटर है, वो कौन है, डी है। तो डी इज द इम्प्लिसिट पॉइंटर, एक पॉइंटर है जो इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। इस न्यू और डेमो के लिखने से जो मेमोरी एलोकेट हुई है यहाँ पे, इस मेमोरी का अपना एक एड्रेस होगा, इसका क्लास नेम @#code होगा, और क्लास नेम #code जो भी यहाँ पे जनरेट हुई है, इसकी रेफरेंस आईडी कहलाती है, और इस रेफरेंस आईडी का एक वेरिएबल होता है जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो ये जो डी नाम का रेफरेंस वेरिएबल है, वो इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अब मैंने आपको हिंट दे दिया यहाँ पे कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये एक्स प्रिंट करके लाना है, आप जरा यहाँ पे सोचिए कि अगर मैं system.out.println में d.x लिखता हूँ तो क्या यहाँ पे 10 आएगा या 20 आएगा, क्योंकि ये d अपनी मेमोरी के एड्रेस पे अपने x को कॉल करके आपको यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे जो 10 स्टोर्ड होगा वो 10 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है भाई, इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी ऑब्जेक्ट मिलती है तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं स्टोर होगा, उसका पॉइंटर है डी, डी इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल व्हिच पॉइंट्स दिस करंट ऑब्जेक्ट, इट इज द इम्प्लिसिट पॉइंटर, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब डी से जो भी डेटा आप कॉल करोगे, वो डेटा उस पर्टिकुलर पॉइंटर के एड्रेस पे जाएगा, उसे प्रिंट करके दिखा देगा। अब आपको ये आउटपुट यहां नहीं लाना है, अगर यहाँ पे एसओपी में हमने लिख दिया एक्स तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, बट मुझे चाहिए कि ये यहीं पे आ जाए। तो बस आप कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए, कुछ ऐसा टेक्निक लगाइए कि ये जो D है वो यहां पहुंच जाए, कुछ ऐसा टेक्निक लगाइए कि ये जो D नाम का वेरिएबल है ये यहां पहुंच जाए। आपने कहा सर जुगाड़ क्या लगाना है, सर आप भी मजाक कर रहे हो, आप यहां पे लिखो d.x, काम खत्म हो गया। लेकिन जैसे ये d.x यहां पे लिखेंगे तो यहां पे आ जाएगा कंपाइल टाइम पे एरर, और वो एरर इसलिए आएगा क्योंकि ये जो डी नाम का वेरिएबल है ये वेरिएबल लोकल है, ये लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल प्रोग्राम के बाहर, इस पर्टिकुलर मेथड के बाहर, इस दूसरे मेथड में यहाँ एक्सेस नहीं हो पाएगा। यहाँ पे डी कैन नॉट फाइंड सिंबल, एरर आएगा, डी कैन नॉट फाइंड द सिंबल, ये सिंबल उसे नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है कि किसी भी तरह से समहाउ अगर मैं इस डी को यहाँ पे पास कर दूं, यहाँ पे पहुंचा दूं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां से डी को एज अ रेफरेंस यहां भेज देते हैं, ऐसे करके ऐसे भेज देते हैं। यहां पे थोड़ा टेक्निक है, इस पर्टिकुलर डी को जब हमने यहां पे भेजा तो डी का टाइप क्या है, डेमो। तो ये है स्टेप फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप फर्स्ट क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट हुआ हमने डी को एज अ रेफरेंस यहाँ पे पास करा। अब नो डाउट मुझे यहाँ पे इसे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई आर्गुमेंट यहां से एक्चुअल जाता है तो उसकी फॉर्मल वैल्यू यहां पे हमें रिसीव करनी पड़ती है, तो इसका टाइप है डेमो। तो हमने इसे क्या कर लिया, एक डेमो टाइप का ही वेरिएबल d1 बना दिया। तो ये जो d नाम का वेरिएबल है, अब यहां से इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, ये जो d वेरिएबल है ये जाके इस d1 में रिसीव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेप सेकेंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, पासिंग द रेफरेंस एंड कॉलिंग अ मेथड, मतलब मेथड को कॉल करा और रेफरेंस वेरिएबल को यहां से पास कर दिया। अब ये जो रेफरेंस है, ये जो एड्रेस है, ये आपके इस d1 वेरिएबल में पहुंच गया, और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं d1.x, तो यहां पे आउटपुट अब हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे पहली बार में हमें मिल जाएगा यहां पे 10 और दूसरी बार में क्या आ जाएगा 20, और इस तरह से हमारा काम हो जाएगा।
बिना दिस के, कोई दिस कीवर्ड नहीं लगाना है। मैंने ये बोला था ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊं आपको कल वाले, मैंने क्या बोला था ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, बनाना नहीं है ना, यूज तो कर सकते हैं, बना बनाया तो यूज कर सकते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते तो नया हो जाता ना, न्यू मेमोरी हो जाती ना, आप न्यू करके लिखते तो नई मेमोरी एड्रेस हो जाती ना, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो था उसे ऑलरेडी यूज कर लिया ना सर। तो बातों में तो इंटरव्यू यही तो होता है भाई, आपको बातों का जो खेल है। सर अगर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक बना के कॉल कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा, नॉन स्टैटिक हो जाए, ये वेरिएबल जो कह रहे हो स्टैटिक बना दे, और यहाँ पे कैसे कॉल करेंगे, क्लास नेम से डेमो डॉट एक्स तो लिख दीजिए, उसमें कौन सी दिक्कत है, क्लास के नेम से कॉल कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। बट स्टैटिक वेरिएबल को और नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बीच में डिफरेंस तो होता है ना, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी क्लास लोडिंग टाइम पे बिना ऑब्जेक्ट बनाए मिल जाती है, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हर ऑब्जेक्ट में मिलती है। मेरे पास मान लीजिए वेरिएबल मैं स्टैटिक बना दूंगा तो सबके लिए कॉमन हो जाएगा, अब प्रोग्राम का सिचुएशन ही ऐसा है कि मुझे स्टैटिक नहीं बनाना है, नॉन स्टैटिक रखना है, क्लास के नेम से कॉल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर नॉन स्टैटिक है तो कैसे कॉल करेंगे, ये वो सिचुएशन है। बताइए किसको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये जो प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम हो गया विदाउट दिस, ये विदाउट दिस का प्रोग्राम हो गया, आप बिना दिस के किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, कोई जरूरी नहीं यहां से रेफरेंस पास करो, यहां होल्ड करो, देन इसे यूज करो, इस डेमो को यहां क्लास लेवल पर डिक्लेयर कर लो, इसका स्कोप ही तो ले जाना है, यहां डेमो डी को क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर लो, बट ये डी इज इक्वल टू न्यू डेमो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक में नहीं कॉल हो पाएगा, तो इसे स्टैटिक बना के इसे क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो आप, तो ऑप्शन आपके पास है। बट जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि मेथड के अंदर एज अ आर्गुमेंट आप रेफरेंस पास कर दो, फिर यहां होल्ड कर लो, वेरिएबल कॉल कर दो। बताइए कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता रहा हूं पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, मैं चार बार बताऊंगा फिर बाद में मत कहना कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्या ये फिजिबल अप्रोच है, क्या ऐसा करना हमेशा के लिए हमारे लिए सही है, और ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं, ये जो रेफरेंस है यहां से पास इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो अगर कहीं पे भी यूज करना चाहें। भाई देखो ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा अगर किसी कंस्ट्रक्टर में या किसी नॉन स्टैटिक मेथड में अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हमें ये काम करना पड़ेगा, तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है ना कि सिंप्लिसिटी, समझ में आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि जब भी आपको अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है आप अपने उस मेथड के अंदर एज ए आर्गुमेंट यहां पास कर रहे हो और फिर इसे होल्ड कर रहे हो, देन इसे यूज कर रहे हो, इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व कैसे करा जाए ये जावा के क्रिएटर ने सोचा, और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस कीवर्ड बना दिया गया। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ पे आप सोचो भी, आप जरा दिमाग लगाओ कि जब आप यहाँ लिखा रहे हो d1.x तब भी प्रिंट हो जा रहा है, जब आप लिख रहे हो this.x तब भी प्रिंट हो जा रहा है, इट मींस व्हाट कि जो d1 है और जो this है वो सेम है, सो व्हाट इज d1, d1 इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉट अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, रेफरेंस वेरिएबल है, इम्प्लिसिट पॉइंटर है जो कि इस करंटली जो ऑब्जेक्ट बनी है उसे पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट तो ये है दोनों मिला के, तो d1 क्या है, व्हाट इज d1, रेफरेंस वेरिएबल, एंड व्हाट आर द रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, इट इज इम्प्लिसिट पॉइंटर, तो व्हाट इज दिस, मैंने तो एक चीज रट्टा मारा हुआ है किताब से, आपने पता नहीं रटा है नहीं, दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, मैंने याद किया है, आप लोगों ने ऐसा याद किया कि नहीं,
बिल्कुल सब लोग ऐसे याद करते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है यहां पे क्लियर हो रहा है होगा। दिस एक इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है, जैसे D1 हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल है, ऐसे दिस भी एक रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन हमारा जो D1 है ये हमने खुद दिया है, इसका नाम D2, D3, D4 हो सकता है, लेकिन दिस नाम का जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड में रेफरेंस, अच्छा ये कीवर्ड पहले कीवर्ड है बाद में रेफरेंस वेरिएबल है, क्योंकि जैसे फॉर पहले कीवर्ड है देन फॉर लूप भी है, उसी तरह से दिस एक कीवर्ड है जिसमें करंट क्लास की रेफरेंस आईडी आती है, तो इसीलिए दिस कीवर्ड के बारे में बोला जाता है कि दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो समझ भी जाओगे। कैसे समझ जाओगे, देखिए मैं आपको बताता हूं यहां से कैसे इसे समझ सकते हैं। देखिए आप करिए क्या, इनको हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये जो हमने यहां से पास किया है इसे हम हटा देते हैं, ठीक, इसे भी हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सेम प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम कोई रेफरेंस अब नहीं पास करेंगे। एक काम करेंगे, आपको अभी सब पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, सब पता चल जाएगा कैसे क्या होती है कहानी। आप यहां लिखिए system.out.println this.x, ठीक है, फिर लिखिए system.out.println this, इसको बंद कर दीजिए, फिर यहां लिखिए system.out.println d d1 है ना, d है या d1 है, चलो d, मान लो d d। आप इस प्रोग्राम को चलाइए, इस प्रोग्राम को जब चलाएंगे तो आउटपुट पता है क्या आएगा, आउटपुट देखिए क्या आएगा, आउटपुट तो मेन से आएगा, सबसे पहले ये चलेगा, इसमें x की वैल्यू प्रिंट होगी यानी कि 20, फिर उसके बाद this dot x यानी कि ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10, फिर this से क्या प्रिंट होगा, डेमो @ हैश कोड मान लो हो गया 3678, ठीक है, अच्छा फिर ये पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। अब ये वाली लाइन प्रिंट होगी तो यहां पे भी रेफरेंस आईडी प्रिंट होगी, यहां पे रेफरेंस आईडी आएगा demo@3678, वही होगा सब एकदम से। और अगर ऐसा आपने इसे करके देख लिया तो आपको फिर जिंदगी में कभी दिस नहीं बोलने वाला है, दिस कुछ और नहीं होता है, दिस इज द डी, देव डी की बात नहीं हो रही, दिनेश की बात नहीं हो रही, ये वाला जो डी है इसकी बात हो रही है, रेफरेंस वेरिएबल, ये रेफरेंस वेरिएबल की बात हो रही है। डी इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो रेफरेंस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ करंट ऑब्जेक्ट, डिटो सेम, बट दिस क्या है, इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल है, इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट का मतलब जिसकी मीनिंग कहीं बताई नहीं गई हो, एक्सप्लेन नहीं करी गई हो, जिसको आप लॉजिक से समझ सकते हैं, जो लैंग्वेज के अंदर बना के रखा गया है लॉजिक, और लॉजिक क्या है, लॉजिक मैंने आपके सामने यहां पे रख दिया, आपने कभी आज तक डिस्क को प्रिंट नहीं किया होगा, एक बार प्रिंट करिएगा और अपने रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट करिएगा, एकदम डिटो सेम आएगा, तो फिर मान जाना कि दिस और डी क्या है, सेम है। तो फिर यहां क्वेश्चन है कि बनाया क्यों गया, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस, जब डी से काम हो जा रहा था, रेफरेंस पास कर रहे थे, मेथड में होल्ड कर ले रहे थे। देखो हर जगह आप अपने रेफरेंस को मेथड में पास करोगे, फिर होल्ड करोगे, फिर यूज करोगे, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, नहीं है, जैसे अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा, विदाउट दिस वाले एग्जाम्पल में देखा कि आप अपने क्लास के रेफरेंस को अपने मेथड के आर्गुमेंट में पास कर रहे हो और फिर उसको एज अ पैरामीटर होल्ड करके फिर यूज कर रहे हो। तो जावा ने सोचा कि अगर किसी यूजर को
किसी भी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत प्रोग्राम में कहीं पे भी है तो उसको अपना रेफरेंस एज अ मेथड आर्गुमेंट पास करा के होल्ड करा के यूज कराने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों ना हम एक काम करें, हर नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर और हर कंस्ट्रक्टर में दिस ऑलरेडी पहुंचा दें, आपको पहुंचाने की जरूरत ना पड़े। तो ये पॉइंट जरूर आप लिखिए। पहला पॉइंट क्या था इसके बारे में? दिस इज द इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल व्हिच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑफ। और अगला पॉइंट इसका ये है कि दिस इम्प्लिसिट रेफरेंस वेरिएबल इज इम्प्लिसिटली अवेलेबल, this implicit reference variable is implicitly available in every non-static method. This implicit reference variable is implicitly available in every non-static method and constructor. अगला पॉइंट लिखिए, दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इनटू द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इनटू स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ब्रैकेट में लीजिएगा, स्टैटिक मेथड और स्टैटिक ब्लॉक। इस कीवर्ड को आप स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते, ना स्टैटिक मेथड में यूज कर सकते हैं और ना स्टैटिक ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। जब जब ऑब्जेक्ट बनता तब तब देश बदलता हो। यस यस। अब जरा और अंदर की कहानी समझते हैं, और अंदर की कहानी समझते हैं। ये तो बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप यहां पे एक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, और फिर लिखा हमने डी डॉट शो, और फिर एसओपी के अंदर हमने लिखा डी। ठीक है, तो पहले 20 आया, 10 आया, फिर उसकी रेफरेंस आईडी आई, फिर यहाँ पे रेफरेंस आईडी आई, ये रेफरेंस आईडी डिटो सेम। चलिए एक काम करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, वो D1 इज इक्वल्स टू न्यू डेमो। ठीक है, लिख लिया हमने, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एक काम करते हैं, system.out.println में प्रिंट कर लेते हैं D1 को, और फिर लिख देते हैं d1.show। अब मुझे ये बताइए, इस दिस के अंदर रेफरेंस आईडी होती है, डी का होगा या d1 का होगा? डी का होगा या d1 का होगा? क्योंकि फिर से सो चलेगा, तो जब अभी यहां पे रेफरेंस आईडी मान लो आ गई इसकी कुछ और, इसका आ गया demo@1, 2, 3। ठीक है, और फिर जब सो कॉल हुआ तो फिर आ गया 20 और 10, और फिर क्या प्रिंट होगा? फिर आएगा demo@1, 2, 3। देखो एक्चुअली होता क्या है, ये आप बोलोगे कि दिस में किसका रेफरेंस होगा, ये मत बोलो कि day 1 का होगा, आप ये बोलो कि सर जिस ऑब्जेक्ट पे ये मेथड चल रहा होगा उस टाइम पे ये दिस उसी को रेफर कर रहा हो। तो दिस क्या है, देखो सिंपल सा मतलब था कि जब आपको अपनी करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को मेथड के आर्गुमेंट में पास करके उसे होल्ड करके यूज करना पड़ रहा था, तो जावा के क्रिएटर ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक काम करें कि ये जो रेफरेंस आईडी है करंट क्लास का, ये इम्प्लिसिटली यहां पहुंचा देते हैं, उसके लिए एक इम्प्लिसिट कीवर्ड बना देते हैं दिस। तो दिस एक कीवर्ड है जो समझ लो कि ऐसे है भी कुछ भी, जैसे सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया तो दिस किसको पॉइंट कर रहा होगा? नल को, नल पॉइंटर। समझ आ रहा है?
लेकिन जब आप जिस ऑब्जेक्ट पे मेथड चलाते हो, जिस ऑब्जेक्ट पे मेथड चला रहे होगे, उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दिस रेफर कर देता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है d1, एक ऑब्जेक्ट है d2, आपने लिखा d1.so, तो इस टाइम पे जो सो मेथड के अंदर दिस होगा वो किसका होगा? d1 का होगा। ये याद रहना चाहिए। करंट ऑब्जेक्ट, दिस एक ही कीवर्ड है, उसमें ऑब्जेक्ट बदलता रहता है, ऑब्जेक्ट बदलता रहता है। क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको जब भी अपना ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको रेफरेंस आईडी पास करने की जरूरत नहीं है, आप किसे यूज कर लीजिए? तो दिस में क्या होता है? करंट क्लास का रेफरेंस आईडी, करंट क्लास की रेफरेंस आईडी, करंट क्लास का रेफरेंस उसके अंदर पड़ा होता है। जी जी, अगर लास्ट में यूज करें भाई, देखो सिंपल सा मतलब है, आप जिस मेथड को यहाँ पे अभी चला रहे हो, आपने ये मेथड किस ऑब्जेक्ट पे चलाया, तो इस टाइम पे दिस किसको रेफर करेगा? अब आप डी डॉट सो लिखोगे तो किसको रेफर करेगा? बस कैसे करेगा, क्या हो रहा है, इंटरनल कहानी, जादू हो रहा है, जादू तो नहीं हो रहा है, तो कैसे हो रहा है आखिर? कुछ नहीं, जो हमने काम विदाउट दिस किया था ना, भी आपको अपना रेफरेंस उठा के पास कर रहे हैं, फिर उसे होल्ड कर रहे हैं, वो काम अंदर हो रहा है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। सुन रहे हो आप लोग? मान लीजिए आपका ये कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी एनी प्रोग्राम, कोई भी एक डेमो क्लास है, उस क्लास के अंदर ये मेन मेथड बना हुआ है, और आपने क्या करा, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसे क्या बोलते हैं? इसे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना, हमने बनाया क्लास में कंस्ट्रक्टर कहीं, तो कंपाइलर कंपाइल टाइम पे देता है कंसीडर, डिफॉल्ट कंसीडर आता है, तो वो हमें दिखता नहीं है, बट डिफॉल्ट कंसीडर होता है क्लास के अंदर, ये तो पता ही आपको, ओपनिंग जिसका नाम क्लास के नेम से सेम होता है, और जिसका रिटर्न टाइप भी होता है इम्प्लिसिटली, जो आपको दिखता नहीं दिखता है ना, क्या होता है रिटर्न टाइप हर कंसीडर का? हर कंसीडर का रिटर्न टाइप क्लास टाइप का होता है, जो आपको नहीं दिखता है, यानी कि क्लास का नाम है डेमो, तो कंसीडर का नाम है डेमो, रिटर्न टाइप क्या होगा? डेमो, ठीक, इनविजिबल होता है, आपको दिख नहीं रहा है। जिस तरह से ये सारी चीजें इनविजिबल होती हैं, ऐसे एक चीज और इनविजिबल होता है जो आपको नहीं दिखता, और वो ये चीज होती है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, तो उस ऑब्जेक्ट के आर्गुमेंट उसके कंसीडर में, मान लो कि आपने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया इंट एक्स ले लिया, तो आपको यहां से एक आर्गुमेंट भेजना पड़ेगा 10, कि ऐसे हो जाएगा, देना पड़ेगा जिस तरह से, जैसे सपोज करो ये प्रोग्राम आप चलाओगे सक्सेसफुली चलेगा, रिटर्न टाइप आप नहीं लगाओगे, रिटर्न टाइप तो होता ही होता है, बट लगाते नहीं है, ये अंडरस्टूड है, जिसे मिटा दूं या रहने दूं? मिटा देता हूं मैं, ठीक है, अंडरस्टूड है रिटर्न टाइप होता है। तो जिस तरह से किसी कंसेप्टर को आपने कॉल किया, इसमें एक आर्गुमेंट पास करा, आपको लगता है कि आपने एक आर्गुमेंट पास करा, लेकिन एक आर्गुमेंट इसमें एडिशनल होता है जो आपको दिखता नहीं, वो एडिशनल आर्गुमेंट कुछ नहीं होता है, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? डी। समझ आ रहा है? यही ऑब्जेक्ट इसके अंदर होता है, और ये कहानी कैसे, अब खुद मत ट्राई करने लगना, खुद ने क्या ट्राई करना, ये इम्प्लिसिट होता है, ठीक है, और ये जो आर्गुमेंट जाएगा डी, तो कहीं ना कहीं होल्ड होगा, वो होल्ड कहां होता है? वो होता है एक वेरिएबल में, जिसका टाइप होता है क्लास टाइप का डेमो, और उसके वेरिएबल का नाम क्या होता है? तो ये डी जाके कहां रिसीव हो जाता है? और एक काम और होता है कि जैसे सपोज करो आपने डी डॉट सो करके कोई मेथड चलाया, और इस सो के अंदर भी कोई आर्गुमेंट नहीं पास करा, कोई जैसे मान लीजिए हमारे पास सो मेथड यहाँ पे एक बनाया गया है वाइड शो, समझ आ रहा है? अब इस सो मेथड के अंदर कोई आर्गुमेंट है नहीं है, तो इस मेथड के अंदर ऑलरेडी एक आर्गुमेंट होता है, वो होता है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कहां पे होल्ड हो जाता है? वेरिएबल में, जिसका टाइप होता है डेमो, और डेमो टाइप की किस वेरिएबल में? दिस वेरिएबल में। अब बात समझ आ रही? तो हर मेथड के अंदर, हर नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, एज अ आर्गुमेंट
जब आप सपोज करो कि एक भी वैल्यू नहीं पास कर रहे हो तो ये एक वैल्यू इम्प्लिसिटली जा रही होगी और वो वैल्यू जाके किस वेरिएबल में रिसीव होती है, दिस वेरिएबल। अगर आप दो आर्गुमेंट भेज रहे हो तो मान लो एक तीसरा आर्गुमेंट एडिशनल होता है, वो तीसरा आर्गुमेंट क्या होता है, आपकी क्लास की रेफरेंस आईडी होती है, जो रेफरेंस आईडी दिस वेरिएबल में जाके रिसीव हो जाती है। तो हर मेथड में, हर नॉन स्टैटिक मेथड में और हर कंस्ट्रक्टर में दिस होता है, दिस ऑलरेडी होता है, लेकिन दिस में ऑब्जेक्ट की आईडी कब पहुंचती है, जब वो मेथड कॉल होता है, जब वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब सपोज करो कोई नॉन स्टैटिक मेथड है तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो चलेगा, तो ऑब्जेक्ट बनते ही उसमें वैल्यू पहुंच जाती है, कोई कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही चलता है ना, तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही चला उसके अंदर वो वैल्यू पहुंच जाती है, इस तरह से काम करता है। और फिर ये चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कभी भी अपने किसी मेथड में किसी ऑब्जेक्ट की याद आ गई गलती से, इस मेथड में ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी, आप किसको याद करोगे, किसी कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट चाहिए तो किसको याद करिए, सोचने की जरूरत नहीं है, बस लगा दो दिस तुरंत खटक से उस जहां पे वो कंस्ट्रक्टर चला होगा, जहां से वो मेथड चला होगा उसका वो दिस उसे रेफर कर देगा, और दिस हमेशा करंट वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट को नहीं, किसी तीसरे को नहीं, किसी चौथे ऑब्जेक्ट को नहीं, हमेशा करंट, दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द करंट ऑब्जेक्ट, सो दैट्स व्हाई वी आर जी यहाँ पे ये नहीं डाल सकते, इसमें दिक्कत आ जाती है, तो ये तो इंटरनल कहानी है ना सर, ये तो इंटरनल कहानी हो रही है, इम्प्लिसिट कहानी हो रही है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो जावा में इम्प्लिसिट इंटरनली वो कर दे रहा है, कंपाइलर कर दे रहा है, जेवीएम कर दे रहा है, अब जो चीज हमें नहीं दिख रही है उसके लिए जावा जेवीएम कंपाइलर एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है रिफ्लेक्शन, उसे यूज करता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू कुछ भी पॉसिबल है कि आप अपना रेफरेंस अपने ही ऑब्जेक्ट के कंसीडर में कैसे भेज सकते हो, तो तरीका होता है, किसी क्लास का प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर जाती हैं, नहीं जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन से चली जाती हैं, कोई फाइनल वेरिएबल कभी चेंज होता है नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन से हो जाता है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जावा में हम नहीं कर सकते लेकिन वो इम्प्लिसिटली कंपाइलर कर रहा है, कंसीडर ग्रेडिएंट टाइप हम थोड़ी ना दे सकते हैं लेकिन हो रहा है वो, तो जानेंगे हम रिफ्लेक्शन टॉपिक होती है रिफ्लेक्शन एपीआई, बट अभी ये हम खुद नहीं ट्राई करना, आप अपने कंसीडर में अपना रेफरेंस क्यों पास करोगे, इसी को तो सॉल्व करने के लिए दिस आया है, दिस में ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये कंसीडर जिस भी ऑब्जेक्ट पे चला होगा उस टाइम पे उसका दिस उसे रेफर करेगा, ये मेथड जिस भी ऑब्जेक्ट पे चलेगा, तो हर नॉन स्टैटिक मेथड में और हर कंसेक्टर में ऑलरेडी क्या होता है, जब आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं और उसमें सपोज करो एक वैल्यू भेज रहे हैं यहां से 10, तो उसमें एक एडिशनल वैल्यू और क्या होगी, मतलब आपके ऑब्जेक्ट का यही रेफरेंस, यही जिस पे वो कॉल हो रहा होगा, और फिर यहाँ पे एक बार 10 रिसीव हो जाएगा, मतलब इंटीजर टाइप के एक्स वेरिएबल में, यानी कि ये एक्स वेरिएबल भी ये पहुंच जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पहुंच जाएगी, तो आई होप आपको चीज समझ में आ गई, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि दिस क्या है और फिर आपको समझना है दिस की यूजेस क्या है, अभी शायद आपको दिस कीवर्ड समझ में आ गया होगा, दिस कीवर्ड जिसको भी नहीं समझ में आया है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस में होता क्या है, और इसको बेटर तरीके समझने के लिए वो जो ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करा के दिखाया, दिस को प्रिंट करा के दिखाया, इसे जरूर आप चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिकली इसे चलाओगे ज्यादा क्लियर होगा, थ्योरेटिकली तो क्लियर ही हो रहा है, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस कीवर्ड के बारे में एक और पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि दिस कीवर्ड जो बनाया गया है ये इम्प्लिसिटली पब्लिक और फाइनल है, पब्लिक फाइनल This कीवर्ड इम्प्लिसिटली कैसा है, पब्लिक और फाइनल है, पब्लिक है इट मींस कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा, और फाइनल है इसका मतलब क्या होगा, इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो, दिस कीवर्ड इज इम्प्लिसिटली पब्लिक एंड फाइनल,
ठीक है, पब्लिक फाइनल दिस, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है, आपकी कोई क्लास है ए, ए का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको ए नाम के वेरिएबल में होल्ड करते हो, इसका टाइप ए दे दिया, तो क्या जरूरी है वेरिएबल बनाने की, आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट किसमें होल्ड कर लो, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट है जहां ए यूज कर देते वहां दिस यूज करो। आपने कभी ऐसा सोच लिया एक काम करो यार, लॉजिक लगाते लगाते एक बार नहीं लॉजिक लग रहा है, एक काम करो इस ऑब्जेक्ट की आईडी दिस में संभाल के रख लो, तो जब किसी ऑब्जेक्ट की आईडी दिस में संभाल के रखोगे यू विल गेटिंग द कंपाइल टाइम एरर, और एरर जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज इंप्लिसिटली पब्लिक एंड फाइनल। तो दिस कीवर्ड जब भी जहां याद करोगे वहां पे, तो उस पहली चीज तो ये आप स्टैटिक में याद मत करना, कभी भी स्टैटिक में दिस याद मत करना, क्योंकि दिस कहीं यहां लिखा कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक यही कहे ना, तो फिर क्या है, तो नॉन स्टैटिक अगर है तो क्या नॉन स्टैटिक चीजें स्टैटिक में कॉल होती हैं? तो कभी भी दिस को आप स्टैटिक में रेफर ही नहीं कर सकते, कभी भी मेन मेथड के अंदर या किसी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में दिस अलाउ ही नहीं है, कभी नेवर, कभी अलाउड नहीं है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट बनाने का स्टेटमेंट आपने लिखा कहा है, मान लो किसी मेथड में लिखा है, तो उस मेथड में वो मेथड जिस ऑब्जेक्ट पे चल रहा होगा उसमें तो उसका दिस की आईडी उसके अंदर ऑलरेडी होगी ना, तो फिर दिस तो फाइनल है, एक बार उसमें आईडी पहुंची है, दोबारा कैसे पहुंचा सकते हो, दोबारा आप अपने ऑब्जेक्ट की आईडी दिस में नहीं डाल सकते। वो तो इम्प्लिसिटली वो हर ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है ना, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए चल रहा है, वो हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका इंस्टेंस क्रिएट होता चला जा रहा है। चलिए अब क्वेश्चन ये है कि दिस का यूज क्या है, अब हम समझते हैं यूजेस। अभी हमने क्या समझा है, अभी हमने समझा व्हाट इज दिस एंड व्हाई दिस, आई होप आपको व्हाई एंड हाउ ये सब समझ में आ गया होगा, क्यों बनाया गया दिस ये समझ में आ गया होगा, दिस कीवर्ड क्यों बनाया गया समझ में आया, अब हम समझते हैं कि दिस कीवर्ड की यूजेस क्या है, व्हाट इज यूजेस ऑफ दिस, यूजेस बहुत सारे यूजेस हैं, अगर आप बिगिनर हो तो एक यूज जान गए तो बहुत काफी है, लेकिन अगर थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो तो बहुत सारे यूजेस हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यूज इसका क्या है, इसका फर्स्ट यूज ये है कि जब भी आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी डेटा शैडोइंग हो रही है, क्या हो रही है, सो डेटा शैडोइंग के केस में इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कराने के काम, so in case of data shadowing it is used to identify the instance variable, आपने एग्जांपल में देखा ही कि अगर हमारी क्लास डेमो थी तो डेमो क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, और फिर उसके बाद आपने एक लोकल वेरिएबल बना दिया, इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल बना दिया, और फिर यहां पे आपने लिख दिया int x, और फिर ये बना दिया psvm मतलब मेन मेथड, और फिर डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया डेमो d इक्वल्स टू न्यू डेमो, और फिर जैसे आपने लिखा डी डॉट शो इसमें पास करा 20, तो अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में एक्स को प्रिंट करोगे 20 आएगा 10 आएगा, और अगर आप चाहते हो कि 10 आ जाए तो आप क्या लिख दोगे दिस डॉट, तो दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करवा रहा है इन केस ऑफ नेमिंग कंफ्लिक्शन बिटवीन द लोकल और इंस्टेंस। आप स्टूडेंट वाले एग्जांपल में नहीं देखा आपने, जैसे मैं स्टूडेंट वाला प्रोग्राम आपके लिए बनाया था क्लास स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्लास में हमने दो वेरिएबल बनाया था एक स्ट्रिंग नेम और इंट एज, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा था जिसमें अगेन स्ट्रिंग नेम और इंट एज टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया
this dot name equals to name और this dot age equals to age. अगर आपको ये चीज कहीं दिखे ना तो this dot name, name equal to this dot name का मतलब क्या होता है, लोकल वाला नेम this dot name, ये this dot name किसको रेफर कर रहा है, instance. तो लोकल टू इंस्टेंस इसे बोला जाता है, लोकल डेटा इंस्टेंस पहुंच गया. अब बात समझ आ गई, तो दिस कीवर्ड से तो पॉसिबल है कि आप इंस्टेंस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. ठीक है, तो ये तो कंप्लीट प्रोग्राम कल हमारा बन गया था, इसे में बनाने की जरूरत नहीं है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दिस का क्या यूज है. तो दिस का यूज है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द इंस्टेंस वेरिएबल इन केस ऑफ नेमिंग कंफ्लिक्शन बिटवीन लोकल एंड इंस्टेंस. अब एक क्वेश्चन मेरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी क्लास का कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल अगर होता है तो उसको हमेशा और हमेशा मेमोरी कहां मिलती है, ऑब्जेक्ट में, क्लास के ऑब्जेक्ट में. और अगर ये डेटा कहीं पे भी कॉल होने जा रहा है तो या तो उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से होगा या तो उसके रेफरेंस से होगा. अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि देखिए, मान लीजिए इसे मैं मिटा देता हूं यहाँ पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास यही सेम क्लास हो, पूरा मिटा दे, मैं एक क्लास बना दे रहा हूं अगेन यही सेम वाला जिसका नाम रखता हूं डेमो, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, लिखा इंट एक्स इक्वल्स टू 10. ठीक है, और फिर उसके बाद वाइड वाइड शो करके एक मेथड बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया और इंट एक्स लिखा, और फिर यहां पे बनाया मेन मेथड, ओपनिंग क्लोजिंग करा, डेमो डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो करके हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और फिर लिख दिया डी डॉट शो. मुझे एक चीज बताइए, अगर आप डी डॉट शो लिखोगे तो अभी क्या आएगा आउटपुट, कैसे आएगा भाई, ये चीज बताओ. ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको मेमोरी ऑब्जेक्ट मिली है, या तो ये ऑब्जेक्ट से रेफर होगा, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से रेफर होगा. हमने ना ऑब्जेक्ट लगाया ना ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लगाया, फिर भी कॉल हो रहा है. तो यहाँ पे एक इंटरनल कहानी है, इम्प्लिसिट कहानी है. वो कहानी ये है कि यहाँ पे ड्यूरिंग कंपाइलेशन कंपाइलर चेक करता है क्या डेटा शेड्यूलिंग हुई है. डेटा शेड्यूलिंग नहीं हुई है ना, तो जहां पे डेटा शेड्यूलिंग नहीं होती है तो पूरा जो कोड है ये सारा कोड एज इट इज वो लिखते हुए यहाँ पे इस वाले लाइन पे क्या कर देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में यहाँ पे इम्प्लिसिटली क्या लगा देता है, ना बढ़िया चीज. तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, अच्छा सुनो, अब ध्यान से सुनो, पूरी कहानी अभी शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है. अब मान लीजिए कि यहाँ पे डेटा शेड्यूलिंग हो गई, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया गया int x equals to 20 या 30 और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में यहाँ x और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में x प्रिंट करा गया है. ठीक है, तो ये अगर हम कमेंट कर दें और यहाँ पे लिख दें कि इफ डेटा शेड्यूलिंग Not occur, ठीक है, not happened, मतलब अगर data shadowing नहीं हुई है तब की बात है, और अगर during compilation हम करते हैं इसी code को, तो और किस केस में, in case of data shadowing, तो in case of data shadowing सारा code वैसे ही रहता है. ठीक है, और कंपाइलर अब जब डेटा शेड्यूलिंग देख लेता है कि लोकल और इंस्टेंस सेम हो चुका है तो फिर वो यहाँ पे कोई भी दिस कीवर्ड नहीं लगाता, तो फिर इसीलिए प्रेफरेंस किसे मिल जाता है, तो हियर कंपाइलर नॉट एडेड सेम कंस्ट्रक्टर वाला फंडा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाला. यस, That's why
प्रेफरेंस गोज टू ठीक है हियर कंपाइलर एडेड तो इसके अंदर भी बहुत सारी कहानी है कि भाई अगर आप सोचो कोई डेटा डायरेक्ट घर कहीं कॉल हो रहा है और वहां ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हो तो इट मींस वहां दिस कीवर्ड तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली लगा देता है जो चीज आपको दिख नहीं रही।